कि अब ब्लैकमेल कर रहा है, अब डर के थोड़ा, डर के क्या ही होगा। अब क्या ब्लैकमेल कर रहा, क्या क्या कर रहा है? यही बोलता है कि अपना भैया मैं आपके लिए एक भी अगर व्लॉग डाल दूंगा तो फिर आपकी इज्जत डाउन होगी, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए आज के फर्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आ रही है जानू एस्टेंट की तरफ से। तो आपको पता होगा रिसेंटली जानू एस्टेंट ने एक सुपर कार की डिलीवरी लिए थे एंड कल सुमित ब्लॉग की तरफ से एक वीडियो आया जिसमें वो बताया कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर स्पेशल वो निंजा H2 बाइक करने वाले हैं। आप थोड़े दिन पहले तक ये था कि आप बाइक ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, हर जगह आपके जो भी फैंस है कमेंट देखता था बाइक, बट अब गाड़ी ले आए आपने, एकदम सरप्राइज कर दिया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बाइक भी आ रही है, बाइक भी आ रही है। तो भाई बाइक कब तक आ रही है? 1 मिलियन उस दिन बाइक लेके बाहर गया, बाइक भी आएगी। तो गाइस 1 मिलियन कराओ भाई के यार, फिर बाइक कौन सी बाइक? H2 भाई, जल्दी से कराओ 1 मिलियन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आमिर माजिद के बारे में। तो क्या आमिर माजिद चोर हैं? तो जम्मू के एक शॉपकीपर ने आमिर माजिद पर ये एलिगेशन लगाया है कि आमिर ने उनका 35,000 रुपए नहीं दे रहे हैं। जब वो पैसे मांग रहे हैं तो आमिर माजिद उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर पैसा मांगा तो मैं अपने ब्लॉग में तुम्हारा नाम खराब कर दूंगा। जी हाँ, पहले आप ये वाला वीडियो देख लो। मैं और वासु भाई जा रहे हैं अभी एलॉयज देखने के लिए। वासु भैया और मैं जा रहे थे एलॉय डालने के लिए। वासु भैया क्या सीन है? तो इस वीडियो में आमिर माजिद जिस वासु भैया के साथ क्रूज की मोडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वही वासु भैया जेके मीडिया के आशीष कोहली से दिए हुए इंटरव्यू में काफी बड़े बड़े एलिगेशन लगाए आमिर माजिद के ऊपर। वो क्या कहे आप खुद देख लो। हमने इसका काम किया था गाड़ी का क्रूज, हमने पूरी, मेरे पास सारी वीडियोस हैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक, कैसा क्या काम हुआ, क्या क्या इसने मुझे बोला करने के लिए, हमने सारा काम किया। अब पैसे लेने की बारी आई, इसने मेरे को यहाँ से, यहाँ पे मेरे को इसका बना था 1,90,000 तक बना था इसका सारा। कौन सी गाड़ी थी? क्रूज, हाँ व्हाइट कलर की क्रूज थी, एक्सटेंड हुआ था, फिर इसने हमारे पास लगाई थी करने के लिए। तो अब इसको मैसेज करो, ये यहाँ से हमारे पास, इसने मेरे को पैसे दिए और मुझे बोलता कि भैया मैं जैसे ही अपने फ्लैट पहुँचूंगा तो आपको बाकी पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगा। अब काफ़ी देर से आ रहा था काम करवाने के लिए, मेरा इसके पास आया 35,000 तो इसको फ़ोन करो या मैसेज करो, इसने तो पहली बार मेरे सारे नंबर ब्लॉक कर दिए हुए हैं। अब इसको मैं कॉल करता हूँ किसी दूसरे नंबर से तो मुझे बोलता है कि भैया देखो अगर मैं आपके लिए एक भी व्लॉग डाल दूंगा तो फिर आपका सारा नाम खराब हो जाएगा। हमने बनाया था 1,92,000, ये सबको बोलता है मैंने लगाया 13 लाख। एंड इसी वीडियो में बताया कि वो इस सीन से रिलेटेड पुलिस कंप्लेन करने वाले हैं आमिर माजिद के ऊपर। हमने इसमें कंप्लेन की, भैया देखो पुलिस में कंप्लेन की तो थी, मैंने उनको भी बोला था, बट रिटर्न मैंने कुछ नहीं दिया था। तो वो कह रहे थे देखो आपका कस्टमर है, आप अगर होता है सेटल तो कर लो। तो बाकी अब बात ब्लॉक की आ गई है, आप तो कंप्लेन ही करेंगे और तो कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट अपडेट मानिक अत्री ब्लॉग्स की तरफ से। तो आपको पता होगा इनके इस वाले ब्लॉग में इनकी गर्लफ्रेंड सांची के साथ लड़ाई हो गया था और लड़ाई होने के पीछे का रीजन बस इतना ही था कि मानिक ने सांची को गलती से सिर्फ दोस्त बोल दिया था। तो कल मानिक अत्री की तरफ से एक ब्लॉग आया जिसमें वो सांची को मनाने के लिए बहुत कोशिश किए लेकिन सांची अभी भी उनसे नाराज है, आप खुद देख लीजिए। प्यार से तो इतनी सारी चीजें दी थी, सारी वापस दे दी तूने, मैं क्या करूँ रख के, मुझे बताओ ना, मैं तो दोस्त हूँ ना यार। ऐसे ही बोल दिया ना सांची, इतनी सी बात पे देख कितनी लड़ाई हुई है हमारी। तू सांची सब कुछ खत्म करना चाहती है क्या? उस दिन आपने कर दिया ना। क्या किया मैंने उस दिन? चीख चीख के यार इतनी सी बात में इतनी, तुझे पता कितनी लड़ाई होगी हमारी? मेरे को नहीं करनी बात। बात तो करना, रुकना सांची, बात तो कर, मैंने पहले मना किया था, बात तो कर, एक मिनट रुकना सांची, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। होगी गलती यार, सॉरी यार, माफ कर दे। कितनी करूँ, कब से बैठी हूँ, 2 मिनट बोला था ना, 10 मिनट हो गया ना, और बात बिगड़ेगी, इससे अच्छा भी रहने दो, इतना सा भी प्यार है ना तो जाने दो अभी, मेरे को, मेरा दिमाग बहुत खराब है अभी, नहीं करना मेरे को। तो नेक्स्ट अपडेट जट प्रभजोत की तरफ से। तो इनकी तरफ से आज एक ब्लॉग आया जिसमें फाइनली वो लद्दाख की राइड स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप इनके ब्लॉग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। नेक्स्ट अपडेट एलिस यादव की तरफ से। तो कल वाली वीडियो मैंने बताया था कि इनकी कोई बॉलीवुड मूवी आने वाली है, तो अपने आज वाले ब्लॉग में बताया कि वो उस मूवी के शूट के लिए ग्रीस जाने वाले हैं। मुंबई का तो कटारिया ही देखेगा ना, मुंबई में हमें एक बार जाना, उसके बाद वहां से निकलना मैं ग्रीस मूवी शूट के लिए ना, सरप्राइज है तुम लोगों के लिए, बस तुम्हारा ना स्पोर्ट चाहिए, स्पोर्ट पूरे हरियाणा का, पूरे इंडिया का, पूरे ब्रह्मांड का मुझे स्पोर्ट चाहिए, एलियन भी आके स्पोर्ट करना मुझे, एटलीस्ट हरियाणा पंजाब से तुम एक्सपेक्ट करते हो है ना, फिल्म देखना हमारी यार हरियाणा पंजाब वालों। तो बस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।